इधर रांची हिंसा मामले की जांच की धीमी रफ्तार पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने एनआईए से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मांगी। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एनआईए से अब तक की गई जांच रिपोर्ट को सिलबद्ध लिफाफे में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने एनआईए से पूछा कि क्या वो इस मामले की जांच करने को तैयार है। 5 अगस्त तक कोर्ट ने शपथ पत्र दाखिल कर इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य सरकार की जांच को देखते हुए ऐसा लगता है, ये बताया कि वो इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। कोर्ट ने सरकार से कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी लेकिन स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। उधर कोर्ट ने रांची के तत्कालीन एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा और उस समय के डेली मार्केट थाना प्रभारी के तबादले पर भी सवाल उठाए। इस मामले में डीजीपी और गृह सचिव को काउंटर फाइल करने का निर्देश भी दिया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।